हे गाइस वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। आज यार हमें क्या करना है, हमारा जो एलिगेटर का जो वाटर है वो पूरा चेंज करना है, ठीक है। चेंज करने के साथ उसके अंदर की जो गंदगी है भाई, मतलब जो अलगी लगी है, जो मतलब स्नेल्स ने जो गंदगी करके रखी है वो सारे निकालनी, क्योंकि हमारा एलिगेटर का तो गंदगी नहीं करता। तो भाई वो सारी टंकी हमें क्लीन करनी है, और ये जो बेबी पॉन्ड है ना, बेबी पॉन्ड को भी हमारा पूरा क्लीन करना है। और जो देखते हैं यार, हमारे जो मॉली फिश के बेबीज हमने छोड़े थे उनकी साइज कितनी बड़ी हुई वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एलिगेटर का जो वाटर है वो चेंज करने वाले। और तो ये जो वीडियो है ना, हमारे दो पार्ट में आने वाले, ठीक है। दो पार्ट में आने का क्या रीज़न है भाई, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। इसी की वजह से ये दो पार्ट में आने वाली है, जैसे कि एलिगेटर का वाटर चेंज का एक पार्ट होगा और हमारे बेबी मॉली फिशेस का, मतलब यहाँ पे कितने फिश निकलते पता नहीं अलग अलग, तो उनका एक सेपरेट अलग पार्ट होगा, मतलब पार्ट सेकंड होगा, ठीक है। तो आज सबसे पहले पार्ट में हम हमारे एलिगेटर का जो वाटर है पूरा चेंज कर लेंगे। और बहुत सारे भाई के कमेंट्स रहते हैं भाई, आप आपके एलिगेटर गार को क्या फीड करते हो, कैसे रखते हो, क्या 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 केयर होती है भाई, विंटर केयर, समर केयर, वो हम सारे इस वीडियो में बताने वाले, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारा जो एलिगेटर का जो वाटर है वो सारा निकल लेते हैं भाई। ये जो वाटर है ना पूरा क्लीन है भाई, ठीक है। तो हम ये जो वाटर है यूज़ करने वाले, ये हम फेंकने नहीं वाले हैं। ये जो वाटर का यूज़ करेंगे ना ध्रुव, अपन क्या करेंगे, हमारे जो मॉली बेबी मॉली फिशेज है ना, उनका तो वाटर हम पूरा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी विंटर सीजन तो लग चुका है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ठंड होने की वजह से यार उनका हम पूरा वाटर चेंज कर देंगे, मतलब जो व्हाइट स्पॉट वगैरह होते हैं उनको वो डिसीज हो सकता है, इसी की वजह से हम उनका पूरा वाटर चेंज करेंगे। और ये जो पुराना वाटर है ना, हम यही उस पर शिफ्ट कर देंगे उस टंकी में, ठीक है। और वो जो खराब पानी है सब फेंक देंगे, एलिगेटर को कोई प्रॉब्लम नहीं यार, हम न्यू वाटर इनको दे देंगे, ठीक है। दोस्तों एक बड़ी दिक्कत होगी यार, दिक्कत क्या होगी कि यार हम तो वाटर यहाँ का पूरा निकलने वाले, ठीक है, बट यार हमारी कॉपर को कहाँ रखेंगे यार, ये बड़ा क्वेश्चन हमारे पास खड़ा रह गया। तो यार मैं सोच रहा हूँ ना ध्रुव, वो जो टब है ना एक नंबर का, जो व्हाइट टक्सेडो का है, वो पूरा खाली कर लेंगे, उनका भी वाटर चेंज कर देते, क्योंकि व्हाइट टक्सेडो का जो वाटर है दोस्तों पूरा ग्रीन हो चुका है, ठीक है। हम चेंज करने ही वाले थे आजकल करने वाले थे, तो अभी उसका भी वाटर चेंज हो गया, एलिगेटर उसमें रख देंगे, ठीक है। और ये पूरा पानी निकाल लेंगे। और सेकेंड वाली प्रॉब्लम, यहाँ पे जो बेबी स्नेल है ना बहुत सारी, ठीक है, तो उनको हमें बहुत ही संभाल कर निकालना होगा। ये दिखाता हूँ भाई आप, ये देखो यार हमारे पास कितनी सारी बेबी स्नेल्स है, ये देखो, ये हमारी बड़ी ब्रूडर स्नेल्स, और आप छोटे छोटे बेबी स्नेल्स देख सकते हो, बहुत सारे यार ये, तो इनको भी हमें बहुत ही संभाल कर निकालना होगा। ये देखो भी कॉपर आ गया, कॉपर गुड मॉर्निंग, कॉपर यहीं पे सोता है। और तो चलो निकलते हैं जल्दी जल्दी। तो ये देखो दोस्तों, ये वाला जो वाटर है ये भी क्लीन है, ये वाला वाटर है ये भी क्लीन है, ठीक है, मतलब यार अंदर का आपको सारा दिख रहा होगा। और ये वाला वाटर है ये भी क्लीन है, ठीक है, और ये वाला वाटर तो हमेशा क्लीन ही रहता है। और ये वाले वाटर की आप हालत देख सकते हैं, पूरा ख़राब हो चुका है, मतलब पूरा ग्रीन वाटर हो चुका है, ठीक है। तो अभी ये वाला वाटर हम पूरा निकाल लेते हैं, और व्हाइट टक्सेडो गप्पीज हम सारे निकाल लेते हैं, और यहाँ पर हम हमारे कॉपर को रखने वाले हैं थोड़ी देर तक। तो दोस्तों हमारे जो गप्पीज है ना यार, मैं इसी टब में पकड़ने वाला हूँ, पहले गप्पीज पकड़ लेते हैं यार। हाँ ओके, ये हो गई है हमारी वाटर पॉपी, इसमें ऐड करते हैं। मैं तो सोच रहा था ना ध्रुव, वाटर पॉपी यहीं पे रखेंगे यार। ओके हाँ चलेगा ना। ये देखो भाई हमारे व्हाइट टक्सेडोज आ गई, सारी पकड़ लेता हूँ। यार काफ़ी सारे भाई ना ध्रुव क्या बोलते हैं कि भाई हमारे जो व्हाइट टक्सेडो ना क्रॉस है भाई, ये क्रॉस नहीं है, ये क्रॉस नहीं है, ठीक है, ये छोटे बच्चे भाई अभी ब्रीड भी नहीं कर रहे यार हमारे यहाँ पे, थोड़े बड़े हो जाएंगे ना फिर इनको अच्छे से कलर आने वाला है टेल को, ठीक है, क्रॉस भी नहीं है भाई, बहुत अच्छे से मैंने छोटे इसके वास्ते वैसा लग रहा है। हाँ छोटे होने की वजह से ये ऐसे लग रहे हैं, क्रॉस क्रॉस लगते ना वो, हाँ कलर डाउन होता है उसका। फिशेस का पानी यार प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है यार, कोई एक मिली यार, तो वाइल्ड गप्पी यार दू, हाँ वाइल्ड गप्पी भाई, वो यहाँ पे किसने छोड़ दिया वाइल्ड गप्पी, देखो यार इसका कलर देखो, ये वाइल्ड गप्पी ये होती है दोस्तों वाइल्ड गप्पी, जिसको कलर नहीं आता, ये देखो भाई कलर होता है इसे मेल को, बट डॉटेड होते हो डॉट होती है, इतने अच्छे नहीं लगता ये देखो, खूबसूरत तो लगता है यार वैसे नहीं, मेरा तो फर्स्ट विश है ये,
मैंने फर्स्ट वाइल्ड कप पीसी से भर दिया, यहीं पे छोड़ देते। और ही देखो यार ये ना दोस्तों, ये सारे ना वाइल्ड्स ने ले यार, क्या पता है हमारे यहाँ पे तो इन्होंने आतंक मचा के रखा है, इतनी सारी हो गई है ना यार, ये क्या करने का तू इनका अभी अभी तक तो फिलहाल रख दे भाई। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे ना हमारी एक छोटी बेबी प्लेको मिली है, ये देखो यार कितनी क्यूट है, चल भाई तू भी जा। और यहाँ पे मुझे और एक कीड़ा मिला है जो कि है ये ड्रैगन फ्लाई का लार्वा, ये देख सकते हो ये है ड्रैगन फ्लाई का लार्वा। तो यार ये मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, इनको तो मैं कोई नहीं करना चाहता यार, पानी में ही छोड़ देते। फिशेज को ये नुकसान करते हैं छोटे फिशेज को, क्योंकि मैंने देखा है यार ये छोटे फिशेज को ना खा जाते हैं। कितने सारे ध्रुव यार ये, कितने सारे, बहुत सारे भाई उसमें अंदर और ज़्यादा है। ओके जितने सब बढ़ पाएंगे हम उतने पकड़ लेते। चलो ठीक है, ये देखो यार कितनी बड़ी वाइल्ड्स ने ले ध्रुव, बहुत बड़ी भाई वो देख, इसको देख रहा है अंडे, डॉट डॉट अंडे, हाँ ये रात में अभी अंडे दे देगी ये। अरे सही है भाई। तो दोस्तों अभी ये जो पूरा वाटर है ना, ये हम सारा हमारे प्लांट्स को डालने वाले हैं, ठीक है। अरे मेरे से नहीं उठा जाएगा, फिर तू हेल्प कर मुझे। ओके 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 उठा। दोस्तों यहाँ पे हमें और एक प्लेको फिश मिली है, ये देख सकते हो यार, वो ध्रुव इसे जल्दी छोड़ दे टब में। और यहाँ पे वाइल्ड स्नेल देख सकते हो भाई, कितनी सारी वाइल्ड स्नेल है भाई साहब। तो दोस्तों हमने पूरा टब तो क्लीन कर लिया, तो अभी हमारा एलिगेटर गार इसमें रहने वाला है। तो दोस्तों अभी ध्रुव क्या कर रहा है, यहाँ से हमारे जो एप्पल स्नेल के बेबीज है वो सारे निकाल रहा है, ठीक है। और हमारा जो कॉपर है उसको कैसे घुर रहा है, देखो ये देखो हमारा कॉपर जो बहुत डर लग रहा है भाई। ध्रुव तेरे पे कभी भी अटैक कर सकता है, कभी भी अटैक कर सकता है। बट यार एक बात बता दूँ, हमारा एलिगेटर गार्ड ने आज तक हमारे ऊपर कभी अटैक नहीं किया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमने इतनी सारी स्नेल पकड़ ली है, ठीक है, ये देखो अभी भी निकल रही है। तो फाइनल दोस्तों हमने हमारे सारे स्नेल्स यहाँ से पकड़ लिए, अभी हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, एलिगेटर गार को पकड़ने की, भाई बहुत ही खतरनाक काम है, ठीक है। तो चलो भाई पकड़ते हैं जल्दी जल्दी। तो दोस्तों फाइनली हमने हमारे एलिगेटर गार को पकड़ लिया भाई, ये देखो भाई बहुत ही खतरनाक है यार, ये बिल्कुल भी सपड़ने का नाम नहीं ले रहता। इसे कॉपर हमारा बहुत अच्छा है, ठीक है। चल ठीक है, इसे अभी यही पे रहने दे दूँ, अभी इसका जो वाटर है पूरा निकाल लेते और अंदर से पूरा क्लीन कर दे, बाहर से भी क्लीन कर लेते, फिर हमारे एलिगेटर को शिफ्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हो यार कितनी बड़ी टंकी यार, काफी सारे भाई हो गए, छोटी लगती है बट ये देखो भाई मेरे भी हाइट से भी ज़्यादा है, ठीक है। ये 6 फीट इसकी हाइट है, 6 फीट नहीं यार, 6 फीट से थोड़ी ज़्यादा होगी, थोड़ी 1-2 इंच ज़्यादा होगी, क्योंकि मेरी 6 को थोड़ी बहुत कम है 1 इंच। और इसकी देखो भाई मतलब थोड़ी सी ज़्यादा है भाई साहब, कितनी बड़ी टंकी यार ये। तो दोस्तों अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर जितनी भी अलगी वगैरह लगी ना, ये वाइल्ड स्नेल देखो यार कैसे लटकी, अभी ये सारी की सारी हम निकाल लेते हैं यहाँ से और पूरा क्लीन कर देते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ। इसकी मदद से हो जाएगा ध्रुव? हो जाएगा, करके देखते हैं यार। हो रहा है। ओके तो चलो भाई इसी हेल्प से मैं पूरा टंकी क्लीन कर देता हूँ। फाइनली दोस्तों हमारी जो टंकी है मैंने पूरी क्लीन कर दी, मैंने और ध्रुव ने, ठीक है, नहीं तो ध्रुव यार गुस्सा करेगा। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ ठीक है। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम हमारी इसमें पूरा पानी भरने के बाद हमारा एलिगेटर इसमें रहने वाला है। और दोस्तों चलो बाकी मैं बाद में बताता हूँ।